अगर हम हमने सोचा कि 10 लोग आए हैं और उसमें 9 मर गए और कसाब जिंदा था उसका भी फांसी हो गया, लेकिन देर आर हैंडलेस, देर आर पीपल वो प्लान, देर आर परपेचुअल डेथ, नो। तो फिल्म ऐसी थोड़ी सी हमने सर फिल्म का ये कि इमोशनल एस्पेक्ट एंडिंग हो सकते हैं लेकिन स्टोरी का एंडिंग नहीं हो सकती। कंप्लीटली कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द एस्पेक्ट्स ऑफ दैट नाइट एंड कसाब एंड द पुलिस स्टोरी, इट इज नॉट टू डू विद द पॉलिटिकल आफ्टर इफेक्ट्स और जो भी बात भी हुआ, दैट पार्ट इज नॉट देयर इन द फिल्म। I would say the most emotional film of my career. I don't think it's violent at all. Of course, terrorism deals with violence, so I can't shy away from that. But I would say it's the most emotional film of my career. And you know that आप जितने सारे फिल्म बना सकते हैं, 20-30 मैं ही बना सकता हूँ, जितना मटेरियल मेरे पास है, लेकिन फिर भी I can't touch the thing. So 26 and Attack, ये जो फिल्म आपने देखी अभी, that is to deal with one particular aspect of the film. So मैंने वो night और कसाब इज बिकॉज ही बिकम्स द प्रिंसिपल, इसके साथ क्या हो, क्यों आया, क्या किया, कैसे किया, उसके साथ क्या हुआ, दैट इज द स्टोरी। सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट ही इज हैंगिंग इन, क्योंकि उसका जो फिनिशिंग है उसका पीछे क्या हो, देयर आर 100 एस्पेक्ट्स व्हिच आई कैन कैप्चर, दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस फिल्म।